व्यूअर्स, आज की जो हमारी जो वीडियो है वो हिंदी के सरनाम के टॉपिक पे सारा है। हिंदी का हमने हिंदी में स्टार्ट कर दिया है, जो हिंदी में बना रहे हैं जो वीडियो सारी की सारी विशेषण पे आएगी आएगी या फिर संज्ञा पे भी आएगी। और आज हम पहले ही हमारा जो टॉपिक है हिंदी का वो सरनाम लेते हैं। सरनाम आपको पता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसी को सरनाम बोलते हैं, जो इंग्लिश में प्रोनाउन भी बोलते हैं। हिंदी का पहला हमारा टॉपिक है, प्लीज देखो ध्यान से, सरनाम। ये जो सरनाम है जो संज्ञा के स्थान पे संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त बोल सकते हो आप होते हैं उसको सर्वनाम बोलते। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे मैं बोलूँ राम राम खेलता है, ये आपकी संज्ञा है राम राम संज्ञा। तो इसकी स्थान पे आप बोलो वह खेलता है, ये आपका सर्वनाम है, ये आपका सर्वनाम रहेगा। उसके बाद में जो आपका नोट करने वाली बातें हैं, जैसे कि सर्वनाम है, जैसे मैं तुम वह ये सारे के सारे सर्वनाम हैं, हम वह तुम मैं वो वे कौन, ये सारे के सारे जितने भी हैं सारे के सारे सर्वनाम हैं, या फिर मैं ये वो सब सबके सब सर्वनाम के अंदर हैं। उसके बाद में इनके जो हम देखेंगे सर्वनाम के जो टोटल भेद, यानी कि टाइप हो चुके हैं और भेद हो चुके हैं सर्वनाम के टोटल जो भेद होते हैं, जो भेद होते हैं टोटल भेद सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो छः भेद होते हैं सर्वनाम के। पहला हम खोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद में निचवाचक सर्वनाम। पहला आपका रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसके बाद में निचवाचक सर्वनाम रहेगा, उसके बाद में अनिचवाचक अनिच्छवाचक सर्वनाम, अनिच्छवाचक सर्वनाम रहेगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निचवाचक सर्वनाम, अनिच्छवाचक सर्वनाम रहेगा। और उसके बाद में आपका जो इंटरोगेटिव बोलते हैं जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम रहेगा आपका। और लास्ट में आपका रहेगा निज के बाद में आपका लास्ट में रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें संबंध होता मैं आपके देखता हूँ संबंधवाचक सर्वनाम, ये रहेगा। अगर अब आप इनमें से देखिएगा जो आपका पहला है जो पुरुषवाचक सर्वनाम आपका, पुरुषवाचक जो आपका सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आपको सर्वनाम के अंदर जो वक्ता होता है किसी अन्य व्यक्ति के लिए बोला जाता है, पुरुष ही हो गया। तो यानी कि वक्ता जो पुरुषवाचक होता है उसमें आप कोई भी एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि मैं हम तुम आप ये वाले सारे के सारे पुरुषवाचक, मैं हम तुम आप मैं हम तुम आप ये सारे के सारे क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं तुम आप यह वह ये मैंने पहले स्टार्टिंग में लिखा था। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, और जो पुरुषवाचक आपका जो सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं इसके तीन भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। यानी कि पहला है जो हम बोलेंगे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी कि पहला बोलते हैं हम कौन सा बोलते हैं, उत्तम
उत्तम पुरुष, फिर आपका मध्यम पुरुष, मध्यम बोल सकते हो मध्यम पुरुष आपका, नेक्स्ट वाला आपका अन्य पुरुष। पहला है जो उत्तम पुरुष है वह आपको पता ही है, जैसे कि मैं, हम, और दूसरा आपका होता है तुम, तुम्हें, तीसरा आपका होता है वह, वे, ऐसे कुछ सेंटेंसेज होते हैं। जैसे पहला आपको बता दें मैंने, कहने का तात्पर्य जो उत्तम पुरुष होता है वो सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता लेखक के लिए किया जाता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमें, ये सारे के सारे, मैं की जो हम मेरा है। और उसके बाद में जो मध्य पुरुष होता है उसमें होता है तुम, तेरा, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा वाला होता है। और अन्य पुरुष में होता है जैसे कि वह, ये, वो, थर्ड पर्सन बोलते हैं उसको। उसके बाद में ये वाला कंप्लीट होने के बाद में आपका निचवाचक सर्वनाम आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निचवाचक सर्वनाम है, निचवाचक, निचवाचक सर्वनाम से यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, निचवाचक जो सर्वनाम है उसमें क्या है, निचवाचक सर्वनाम के अंदर ढेर होता है, जो सर्वनाम की, जो सर्वनाम होता है जैसे कि ये, वह, वे, ये सारी के सारे रहते हैं भाई, आपका निश्चित हो, ये आपका खुद का हो, ये मेरी पुस्तक है, निश्चित है भाई, ये मेरे हथियार, ऐसे बोल सकते हो आप, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। उसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको आपको पता ही नहीं होता, वो होता है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक जो सर्वनाम है हिंदी में है, थोड़ी सी राइटिंग डाउन हो गई हिंदी में, तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसके अंदर निश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। और आपका एक संकेतवाचक सर्वनाम, जिसमें संकेत करना, ये वो, ऐसे खेलना, और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर क्या होता है माय डियर भाई, हम कुछ बोले आपको समझ में आए भाई, पता ही नहीं हो उन चीज़ों को बोलते हैं, जैसे कि भाई दूध में, दाल में कुछ काला पड़ सकता, दाल में कुछ काला पता ना होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, दूध में, दूध में कुछ गिर गया, ये वाला अनिश्चयवाचक भाई, आपको पता नहीं होता है अनिश्चयवाचक में। उसके बाद में आपका अनिश्चित है दूसरा आपका, जो फर्स्ट आपको मैंने पुरुषवाचक बता दिया था, दूसरा आपका निश्चयवाचक, तीसरा आपका अनिश्चयवाचक। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फोर्थ पे है पर्सनवाचक, पर्सनवाचक सभी बच्चों को पता होना चाहिए, बिल्कुल आसान है, पर्सनवाचक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, जो पर्सनवाचक सर्वनाम है उसमें क्या होता है, उसमें ये बताया जाता है कि बाहर कौन है, कौन खेल रहा है, जैसे कि मैं बोलूँ कि बाहर, बाहर कौन है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो, क्वेश्चन करना, ये आपका क्वेश्चन फॉर्म वाला रहता है। उसके बाद में आपका अलग है जो एक नेक्स्ट वाला है, जो क्वेश्चन वाचक के बाद में फाइव नंबर वाला निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में माय डियर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है आपका जिसमें कंप्लीट तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भाई एक, यानी कि फिफ्थ नंबर पे निजवाचक सर्वनाम में भाई निश्चित चीज का पता होना चाहिए, किसी भी, कोई भी निश्चित चीज लगा लो, निजवाचक सर्वनाम में कोई भी निश्चित चीज लगा सकते हो आप, निजवाचक तो आपका सर्वनाम है उसमें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कौन, कहाँ, कैसे, ये सारा का सारा आप बोल सकते हो निजवाचक सर्वनाम में, निश्चित काल का है ना, उसी में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका संबंध, आपका नेक्स्ट वाला है जो संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम में लिख देता हूँ, ये भेज आपको पता है डाल दिया मैंने पुरुषवाचक के। उसके बाद में संबंधवाचक
संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर क्या होता है भाई, संबंध दिखाएगा ये आपको, जो करेगा सो करेगा, ये संबंध है भाई, जो खाएगा वो करेगा, जो भरेगा सो करेगा, जो करेगा सो करेगा। वो लड़का मेरा भाई है, कुछ संबंध दिखाना होता है, ऐसे सेंटेंसेस में आपको यूज करना होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये सारे के सारे मैंने भेद बताए हैं मैंने, जो आपका सर्वनाम है, सर्वनाम के टोटल कितने टाइप होते हैं, सिक्स टाइप होते हैं। सिक्स के बाद जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर टोटल कितने भेद होते हैं, टोटल तीन भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपका आपको पता होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप नाम, जिसको नाम प्रोनाउन को बोलोगे, सर्वनाम को प्रोनाउन बोलेंगे, तो उसके अंदर थर्ड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, ऐसे ही उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, उसमें पुरुषवाचक। उसके बाद में आपका तीसरी पोजिशन में नीचेवाचक सर्वनाम रहता है। नीचेवाचक में आपको पता होना चाहिए भी निश्चित क्या चीज़ है, नीचे में पता भी उस चीज़ का पता नहीं होता, नीचेवाचक का सेम ही रहता है। प्रश्नवाचक के अंदर आपको पता होता है क्या वाले क्वेश्चन, क्या राम खाना खाता है, क्या राम सेंटेंस में आ सकते हैं हिंदी में। वेरी ब्रीफली टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ आपसे, दो तीन क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये आप कमेंट के द्वारा बताना, यह कौन सा सर्वनाम है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कमेंट द्वारा आप हमारे जो चैनल है उसके ऊपर डाल देना भाई, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, यह कौन सा सर्वनाम है, आंसर देना है आपको, यह कौन सा सर्वनाम है, ये वाला अंडरलाइन कर रखा है। उसके बाद मैं बोलता हूँ आपको किसी, यानी कि और भी क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कहने का तात्पर्य भी घंटी बजी है, कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है, घंटी बजी कोई आया है, घंटी बजी है कोई आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम, घंटी बजी है कोई आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। एक और सेंटेंस देता हूँ आपको भी, कोई भी सेंटेंस बनाना होता है, यानी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, या फिर एक और यानी कि टोटल फोर कर देते हैं, ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है, एक फोर्थ और एक एग्जाम्पल बोल देता हूँ, फोर्थ एग्जाम्पल है। प्लीज़ चैनल पे जरूर करना माय डियर, अभी भी समझ में आए हमने कुछ करवाया है तो, अगर आपको ध्यान रहे। और तीसरा बोलता हूँ मैं आपको, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है, यानी कि कौन सा क्रम होता है जिसमें सर्वनाम का भेद नहीं होता, कोई आया है इसमें बता देना आपको, कोई आया ये बोल सकता हूँ मैं, यानी कि राम आया है, सर्वनाम बता देना इसमें, राम कौन सा सर्वनाम आपको बता देते हैं, ये छोड़ सकते हो आप, या फिर दूसरा बोल सकते हो, कोई भी आप लिख सकते हो ऐसे सेंटेंस में। कहने का तात्पर्य किसी वक्त में निश्चित वक्त का संबंध दिखा सकते हो, ये है वह कौन सा सर्वनाम है, मैं कौन सा सर्वनाम, दैट्स ऑल। प्लीज चैनल है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगेन जो हमारी वीडियो आएगी वो हिंदी के टॉपिक पे आएगी, प्लीज़।